السلام عليكم بلان، كيف وصب دوست ايش ठीक ठाक हो? हमारा मैच बस स्टार्ट होने वाले है। बहुत खतरनाक मैच जा रही है भाई, इधर बहुत ही खतरनाक मैच है। ये पाक मार हो रहे वर्सेस कोरोना अलर्ट नहीं है भाई, नियाजी है, मुर्शिद है, जानबाज है, इधर जल्दी करो। इधर खतरनाक टीम के साथ आज मैच है। की नाम दिखाए मारखोर आर्मी क्या टीम है, इधर हो पाक टाइटंस की टीम है। तो स्टार्ट लिखते हैं, वन, तो दोनों बहुत खतरनाक टीमें हैं, थ्री टू गो। देखते हैं आज मैच कौन जीतेगा। ये है पाक का टीम, मुर्शिदे सामने, पाक हंटर है इसके सामने, शेरी, हमजरा, नियाजी, इसे टिकट यूज करते हुए, मुर्शिद इधर भी है। ओ मार भाई, मुर्शिद एक बंदा ऊपर गया है भाई, क्या कर रहे हो? ओह, ऊपर से डैमेज पड़ा है मुर्शिद को, दरमियान में फंसा हुआ है, गुरुवार पे गुरुवार लगाते जा रहा है। जानबाज को दिखाते हैं जानबाज क्या करता है। तो बहुत ही खतरनाक गेम प्ले है। इधर हंटर भाई अपने जगह पर मौजूद है, हंटर भाई रश नहीं मारते, शेरी भी सिर्फ गुलवार लगाते जा रहे हैं। दोनों स्क्वाडे बहुत ही तगड़ा है मेरे ख्याल से। हम जला ऊपर मौजूद है, ओ डाउन कर दिया, किसने इसको मार दिया है, ज़बरदस्त शॉट दे दिया। मेरे ख्याल से कौन सा बंदा हो सकता है, इतनी ज़बरदस्त शॉट लग गया इधर शेरी भाई को, तो मेरे ख्याल से बस हारता, मेरे ख्याल से बंदे को मार दिया। तो चलो चलते हैं, इसका दूसरा बंदा जान नियाजी भी ना आके नियाजी को उठाने की कोशिश, मुर्शिद आ चुके हैं, उसका भी बंदा ना आके, तो इधर हंटर भाई शेर को ना कर चुके हैं। क्या सीन चल रहा है इधर नाक, तो थ्री वर्सेस टू का सीन है इधर, हंटर भाई ने परकिस कर चुके हैं। मुर्शिद भाई की बात करें तो फंसा हुआ है, जानबाज अच्छी गुलवार लगाने के, तो चलते हैं। मुर्शिद भाई नीचे आ चुका है, बंदे को देख चुका है इधर, हंटर अकेला तीनों को कैसे मारेगा, मुश्किल है मुश्किल है। तो अच्छी गेम इधर जान, इधर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे भाई, क्या सीन चल रहा है इधर। जे जे जी वाले बहुत अच्छे खेल रहे हैं, मारखोर आर्मी खेल रहे हैं आज, अपनी टीम की कोशिश में लगा हुआ है। तो इधर अब पाको और हंटर की बात करें तो एक किल कर चुका है इस राउंड में, अगर अरमान स्क्रीन पर है तो उसको चाहिए कि और लिंक को ग्रुप में शेयर कर ले।
वो भी गेम प्ले जारी है इधर पाक की जानिब से। चलो चलते हैं मुर्शिद रिजडीगर यूज़ करते हुए, तो इसको लग गया थोड़ा सा डैमेज और बाद में की भरपूर कोशिश में है मुर्शिद भाई। देखते क्या करते हैं, जान नियाजी इसको डाउन हो चुका है और ऊपर हमजला ने हेड मारा, उसका भी बंदा एक ही ना के वो भी ख़त्म किया। तो इधर अच्छी गेम प्ले जारी है, 3 किल कर चुका है मजहर। तो देखते क्या करते हैं, जानबाज की तरफ चलते हैं, मर्शिद भाई की तरफ चलते हैं। तो वेट कर रहे दोनों स्क्वाड़े ऊपर, इसके ऊपर बंदे हैं, क्या कर रहे हो ऊपर, इसके हमजला भी नीचे आ चुके हैं। शेरी भाई ये देखते कौन विन करते, बहुत ही तगड़ा स्क्वाड़े आ चुके हैं। इधर मसर ने मेरे ख्याल से रश मारने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ही तेज़ मूवमेंट है इसका। जानबाज की तरफ चलते हैं, जानबाज ने डिजिटी दिखाया है मुर्शिद, ये तीनों वेट कर रहा है यार, कोई भी रश नहीं मारते। हुआ भाई क्या, एक बंदा नाक हो चुका है शेरी, मेरे ख्याल से हमजला को नाक कर चुके हैं। इधर इधर शेरी को थोड़ा सा दिखाते हैं, शेरी भी डाउन हो चुके हैं, सिर्फ अकेला मुर्शिद है। और मुर्शिद भी गया, ट्रिपल किल किया इधर उसकी, तो मेरे ख्याल से मजर ने ट्रिपल किल किया इस राउंड में अगेन। तो इधर मारखोर आर्मी बहुत लीड कर रहे, जा रहे आगे, और पाक टीम वाले पता नहीं आज क्या हो गया इसको। हमें आप लोगों के कमेंट्सों का इंतज़ार है, क्योंकि अभी तक आप लोग कमेंट्सों पर आया नहीं है। तो इधर ओपी गेम प्ले चल रहा है पाक की जानिब से, लेकिन पाक वाले आज मेरे ख्याल से मज़ा नहीं करते, पाक वाले मेरे ख्याल से गलत रश मार रहे हैं इस दफ़ा। तो हमजला भी बहुत प्रो बंदा है, बहुत अच्छे खेलता है, आज जो दोनों टीमों का मैच है बहुत ही डेंजर स्क्वाड है आज। तो देखते क्या करता है, इधर नियाजी भाई का एक ही किल हो चुका, मार भाई कब मारोगे, आप से चांस मिस गया, चांस मिस न करो भाई, इतनी बड़ी चांस था आपने मिस कर दिया। जानबाज के तरफ चलते हैं भाई, क्या करते हैं ये जानबाज भाई भी वेट कर रहा है, मजर बहुत प्रो बंदा है, बहुत ही अच्छी गुरुआ लगाते हैं। एक बंदा नाक नियाजी ने फंस के ले, तो नियाजी के सामने बंदा था लेकिन इधर नाक हो चुके हैं। वाह भाई ओ गुरुआ लगा, क्या कर रहे हो भाई हंटर भाई, वाह भाई वाह, 2v2 का सीन है। इधर मुर्शिद भी ना के, सिर्फ शेर ही बाकी है, उधर से दो बंदे हैं, मजर है मुर्शिद है, इधर नाक कर चुके हैं। ओ भाई आ गया, ओ भाई अच्छी गेम, इसका मशीन लोड नहीं हुआ था, गन इसका लोड नहीं हुआ, तो शेरी ने चांस ही मार दिया। अच्छी गेम प्ले किया शेरी भाई ने, 3 किल हो चुके हैं इस राउंड में। तो वेल प्लेड पाक टाइटन ने भी कम बैक कर चुके हैं। नियाजी की बात करें तो 3 किल कर चुके हैं, मुर्शिद की बात करें तो 1 किल कर चुके हैं, मजर की बात करें तो मेरे ख्याल से 5 किल कर चुके हैं। जानबाज वो भी गेम प्ले कर रहा है, नया मजर वो भी गेम प्ले कर रहा है, बहुत ही आला गेम प्ले कर रहा है। हंटर की बात करें तो हंट भी वेट में लगा हुआ है, शेरी बहुत ही खतरनाक गेम प्ले करता है। तो आ चुके हैं नियाजी, नियाजी ने रश मारना शुरू कर दिया है, नियाजी तो नियाजी है भाई, क्या कर रहे हो। तो भाई बहुत बेहतरीन गेम कर रहे ये नियाजी, ओ भाई मार मुझे मार, क्या कर रहे हो। हंटर भाई ने डाउन कर दिया नियाजी को, इधर दो बंदे नाक हो चुके हैं, हमजला ने भी फर्स्ट कर लिया भाई, 2v3 का सीन है। इधर मुर्शिद
मुर्शिद अकेला है भाई, मार क्या मारोगे यार, एक बंदा को नॉक कर चुके हैं मुर्शिद भाई ने, चैनबाज की तरफ चलते हैं। वाह भाई मुर्शिद भाई अकेला बाकी है, इसके सामने तीन बंदे हैं, तो भाई अकेला तीनों को मारेगा तो उसको 100 टॉप अप मिलेगा, 100 टॉप अप मिलेगा इसको, नहीं मार सका। शेरी ने डबल किल ले लिया भाई, तो वेरी वेल प्लेड। पाक ने भी कम बैक कर चुके हैं, पाक ने भी बोला कि हम किसी से तो कम है नहीं, तो बहुत ही आला गेम प्ले जारी है इधर, आप लोगों का इंतज़ार में हम है कि कब लोग आएंगे, जो जिस टीम को सपोर्ट करना है तो भैया आ जाओ, बहुत ही आला गेम जारी है इधर जे की तरफ से। मुर्शिद भाई का एक किल हो चुका है, जानबाज भाई का तीन किल हो चुका है। इधर हम बात करते हैं हंटर की, तो हंटर भी अच्छी गेम प्ले कर रहा है, शेरी भाई 5 किल कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा किल करने वाला है इस साइड से। उधर से मजार बहुत अच्छी गेम प्ले कर रहा है, लेकिन बंदा नहीं मारा, दो राउंडों में एक ही बंदा नहीं मारा, बहुत ही क्विकली रिस्पांस करते, क्विकली मोमेंट है इसका, बहुत ही आला गेम प्ले है इसका, मोमेंट्स पे देखते तो इसे पता चलते बहुत अच्छी प्लेयर। तो नियाजी ने गेंद हिट रश मारना शुरू कर दिया, इधर डाउन कर चुके हंटर भाई को, और हंटर भाई को पूरा भी किया नियाजी भाई, इसका मुर्शिद भी नाक हो चुके हैं। तो इधर मेरे ख्याल से बहुत ही ख़तरनाक हमजला सर, अच्छी गेम, मुर्शिद भी नाक है इसका, और इधर उठा रहे शेरी अपने प्लेयर को, उठा रहे मेरे ख्याल से, उठा भी लिया इसका, उसको तो उठा लिया लेकिन दूसरा बंदा गया इससे। तो इधर नाक कर चुके हैं नियाजी भाई, अंदर आ चुके हैं, और बहुत ही ओपी गेम प्ले नियाजी भाई का, 6 किल हो चुका है, और बहुत ही ख़तरनाक गेम फिश के इस राउंड में, बहुत ही आला, जितनी भी तारीफ की जाए इतनी ही कम है, बहुत ही आला गेम प्ले किया आज नियाजी ने, वेरी वेल प्लेड हो नियाजी भाई की, जितनी भी तारीफ की जाए इतनी ही कम है। तो मुर्शिद भाई की बात करें तो एक कल कर चुके हैं, जानबाज का 2 किले, मजार का 6 किले, हंटर भाई का 1 ही किले, शेरी का 5 किले। तो इधर हमजला की बात करें तो 3 किल कर चुके हैं आज, और मुर्शिद भाई का 1 किल के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेयर है लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया मुर्शिद भाई को। उधर से भी मुर्शिद का 1 किल, इधर से भी मुर्शिद, दोनों मुर्शिद एक सामने, नियाज बहुत क्विकली रश मारता है, बहुत क्विकली, अगर दोनों साथ में एक मुर्शिद है, दोनों ने 1 1 किल कर चुका है। जानबाज की तरफ जाते, हंट भाई की तरफ जाते, शेरी बहुत ओपी गेम प्ले कर रहा है। ओ भाई हमजला को नाक कर चुका है जानबाज ने, बंदा को ख़त्म किया, तो अंडर आ चुका है, और इस मुर्शिद ने तो बंदे को तो नाक ही किया और जानबाज को ख़त्म किया। इधर आते हैं और मजर की तरफ, तो इसका दो दो, दोनों से दो दो बंदे डाउन है। ओ भाई क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? तो इधर मजर अकेला और डाउन कर चुका है, ओ भाई मजर क्या कर रहे हो, अपने बंदे को भी उठा लिया, नियाजी को उठा लिया, तो 2 vs 2 का इधर सीन है भाई, बहुत ही ख़तरनाक गेम प्ले चल रहा है, बहुत ही डेंजर है, दोनों स्क्वाडे बहुत ख़तरनाक है, 2 vs 2 है, मजर है मुर्शिद है, इधर जानब हंटर है और शेरी है। इधर मेरे ख्याल से मजर का थोड़ा सा HP है, क्योंकि इसके साथ मेरे ख्याल से लोग, ओ ये तो गया, वो ये तो गया, मैंने बोला ये तो गया, नियाजी अकेला है, नहीं मुर्शिद है। वाह भाई इधर ये दोनों कैसे मारेगा तो देखते हैं। ओ भाई 2 किल किया इधर, शेरी ने अगेन 2 किल कर लिया भाई, बहुत ही ख़तरनाक गेम, शेरी की जानिब से 3 vs 3 बराबर, 7 किल कर चुके हैं, मुर्शिद भाई 2 किल कर चुके हैं, इधर हमजला भाई का 3 किल हो चुके हैं, बहुत ही आला गेम प्ले इधर जारी है, बहुत ही डेंजर स्क्वाड आए हैं आज, आज
दोनों स्क्वाड को थोड़ा सा दिखा दे आप लोगों को। तो मारखोर आर्मी है और पाक टाइटन्स है, बहुत ही ख़तरनाक है। दोनों स्क्वाड तीन तीन से है भाई, जो ये तारीख में अच्छी मैच होगा इस टूर्नामेंट में। इससे पिछले रात को टॉप 50 वर्सेस पठान स्क्वाड बहुत अच्छी है, वर्सेस अच्छी है। इस बार मारखोर आर्मी वर्सेस पाक टाइटन के दरमियान हो रहा है। मुर्शिद भाई आज्ञा मैदान में, ओ भाई क्या कर रहे हो, और डाउन कर चुका है। गुलवाल खातों में से जैन खान आ चुके हैं। हेलो जैन खान, हाय हाउ आर यू। शेरी ने बस कर चुका है, गलती कर रहा है मारखोर आर्मी, गलती पे गलती कर रहा है भाई। जलती रश्म आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जलती रश्म और गए तो फिर आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो भाई जितने भी हमारे न्यू फ्रेंड्स आते हैं लाइव स्ट्रीम पर, तो हमारे छोटे से रिक्वेस्ट, 50 सब्सक्राइब चाहिए, 100 तक कंप्लीट हो जाएगा भाई। अपने फ्रेंड्स को बताओ कि को बराबर करे, आज 50 सब्सक्राइब चाहिए बस। फिर एक स्मोकर हेयर स्मोकर आ चुका है हमारे लाइव स्ट्रीम पर, तो कैसे हो भाई, बहुत ही डेंजर गेम है भाई, आ जाओ। वाह भाई क्या सीन चल रहा है, हंटर भाई ने अच्छी इमेज दे दिया, लेकिन हुड भी 7 HP पर बच गया। तो देखते हैं मज़र क्या करता है। तो जानबाज की तरफ चलते हैं, जानबाज भी गुलवाल तो लगा यार, क्या कर रहे हो। तो इधर उसने अपने भी नियाजी को थोड़ा सा दिखाते हैं, नियाजी तो गया, जानबाज को दिखाते हैं, जानबाज को चाहिए क्यों आगे बढ़े। और हंटर भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो, इधर मेरे ख्याल से मज़र है, कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो आप, सुना। और डाउन कर चुके हैं मज़र को, जानबाज अकेला सबको मार पाएगा, यानी गलती क्या है, नीचे आ गया, बहुत बड़ी गलती थी। इस तीनों को मार दिया तो उसको 100 डायमंड मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया। तो पाक वाले भाई अच्छी कमबैक कर रहे हैं। इसके बाद एक और F15 जो रीजन का स्क्वाड है, इसके मुकाबला मेरे ख्याल से डोमिन पेंट्स, एक नाम है पता नहीं, बहुत सख्त नाम है। इसके बाद F15 का मैच जो ग्रैंड मास्टर का फेयर है भाई, सब आएगा अभी दूसरे मैच में, आपको ख़तरनाक गेम देखने को भी मिलेगा। आज भी बहुत ख़तरनाक स्क्वाड है, दोनों आ चुके हैं। एक पाक टाइटन वाला भी बहुत किसी से तो कम नहीं है, इधर मारखोर आर्मी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन पता नहीं मारखोर आर्मी को थोड़ा सा प्रेशर आ चुके हैं, पाक टाइटन से थोड़ा सा प्रेशराइज हो चुके हैं। तो इधर मुर्शिद भाई बहुत तेज़ मोमेंट है सब दोनों स्क्वाडों का, लेकिन ये पता नहीं चलते थे क्या हो गया इन्हें, पहले तो बहुत क्विकली करते थे। इधर हंटर भाई वेट कर रहा है, दोनों एक साथ खड़ा है, जिसे टीगल यूज़ करते हुए। शेरी भाई भी इसके साथ है, मुर्शिद भाई ओ भाई दे दिया एक 272 से शॉट। इधर मुर्शिद भाई इधर दे चुका है मज़र को हेड शॉट, और इधर आए पाक आर्मी। तो भाई क्या कर रहे हो तुम तीनों एक साथ, और इधर अकेला नियाजी, इधर अकेला है मेरे ख्याल से, क्या चल रहा है इधर, कुछ भी नहीं चल रहा है। वाह भाई क्या कर रहे हो, बहुत ही ओपी गेम प्ले। मरियम जानी आ चुके, हाय हाउ आर यू, कैसे हो। मरियम जानी का मैच है मेरे ख्याल से, आज लाइव स्ट्रीम पर आ चुके हैं। तो देखते नियाजी भाई गुरुवार लगा, गुरुवार तो अच्छी लगा दिया, लेकिन फंसा हुआ है, इसका मज़र डाउन है भाई। पाक हंटर की बात करें तो मुर्शिद भाई चाय हुए हैं, शान सिंह आ चुके हैं, नाइस, कैसे भाई ठीक ठाक हो। तो भाई हंटर भाई रूपी गेम प्ले कर रहा है, जानबाज भाई की तरफ चलते हैं, तो डैमेज हो चुका है और डाउन कर चुका है नियाजी। आज वो मेरे ख्याल से अपनी टीम के लिए कुछ नहीं करा रहे। मुर्शिद भाई बाकी है, 2 vs 4 का सीन है। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो मरियम जानी, ठीक ठाक हो। हमारे लिए परोशा मजीद, तो मुर्शिद अकेला ही बाकी है, तो मुर्शिद पूरा स्क्वाड को मारेगा तो उसको 200 टैपअप मिलेगा। तो नहीं भाई पाका ट्राइटन्स को आप नहीं मार सकते हो। मरियम जानी आज ये बताओ कौन सा टीम को सपोर्ट कर रहे हो। तो हमारे लाइव स्ट्रीम पर बहुत से बंदे आ रहे हैं, तो भाई हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होता है कि जो न्यू बंदे आते थे उसको चाहिए कि यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज मेरे ख्याल से पाक टाइटन छाए हुए हैं और मारखोर आर्मी को नुकसान पड़ सकती है, क्योंकि इसके साथ चांस एक ही चांस है। अगर पाक वाले को चाहिए कि वो एक साथ कमबैक कर ले, पाक वाले तो छाए हुए, शेरी तो अच्छाए हुए हैं, 9 किल कर चुके हैं। तो इधर हम बात करते हैं मुर्शिद की, तो 5 किल कर चुके हैं, और उधर इसकी मुर्शिद की बात करें तो 1 ही किल कर चुका है। तो भाई क्या कर रहे हो आप लोगों से मैच हाथों से जा रहे भाई।
टाइम इतना नहीं है कि आप लोगों को चांस मिल सके। तो मदर भाई पहले ही राउंड में बहुत अच्छी गेम प्ले कर रहा था, एक इस राउंड में इसका मेरे ख्याल से तो तीन राउंड में जो कुछ कमालात गेम पिश नहीं किया। इधर हंटर भाई की बात करें तो दोनों स्क्वाडें वेट कर रहे हैं, हेड शॉट मारने की कोशिश में लगा हुआ है। मारखोर माई फेवर टीम है, ओहो मारखोर को सपोर्ट कर रहे हैं मरियम जानी। आज जो पाक वर्सेस मारखोर का अहमियत वो मारखोर को सपोर्ट कर रहा है। तो इधर मुर्शिद भाई भी खड़ा है, दोनों स्क्वाडें बस एक दूसरे के लिए सर्वाइव कर रहे। लास्ट राउंड में मेरे ख्याल से रश मारेगा तो नियाजी, तो आज इस दफ़ा मेरे ख्याल से रश नहीं मारा, ये वेट कर रहा है, इसको पता चल गया कि ऐसा नहीं चलेगा। मुर्शिद भाई को थोड़ा सा दिखाते हैं, तो इधर जानबाज भी तीन किल कर चुके हैं, आठ किल कर चुके हैं मजर में, तो बहुत ही ओपी गेम प्ले। हंटर भाई दोनों अपने स्क्वाड अपने गुरुवालों के पीछे है, बस इसका एक बंदा हमजला को नाक कर चुका है और हमजला भी गया, और इसका मुर्शिद भी ना के वाह भाई क्या प्लेनिंग के साथ मार रहा है। हाँ ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह से मार रहे हैं। तो इस दफ़ा जानबा मारखोर आर्मी ने कम बैक कर चुका है, ये राउंड मेरे ख्याल से इसके नाम की जाएगा। हंटर भाई का ये बंदा भी ना थे तो गया, मजर ने दो किल किया इस राउंड में, तो मेरे ख्याल से कम बैक करने में लगे हुए है मारखोर आर्मी अपने टीम के लिए, अपने स्क्वाड को एक साथ चल रहे, तो इनमें जीत लिया। तो मारखोर का क्या हुआ आज, क्या बोल रहे हैं मरियम जानी, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आया, हम आपके कमेंट्स पढ़ाते हैं। मारखोर क्या हुआ आज, तो हमारे यूट्यूब पे हमारे नाइस गेम जलाल अकबर गेमिंग वाले भी आ चुके हैं, जिससे लव स्ट्रीम जारी है, जो दूसरे बंदे से कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो भाई इधर ओपी गेम प्ले चल रहा है पाक की जानब से, बहुत ही ख़तरनाक स्क्वाड है भाई हमारे इस टूर्नामेंट में, ख़तरनाक गिल्डों में से दोनों बहुत ही ख़तरनाक स्क्वाड है टूर्नामेंट में ये दोनों स्क्वाड है। तो इधर विशाल भी आ चेटा, क्योंकि विशाल हमारे लाइव स्ट्रीम पर आ चुके हैं, तो बहुत ही ख़तरनाक गेम चल रहा है इधर भाई। विशाल हमारे टॉप 50 का मैच भी, लास्ट मैच टॉप 50 का, नेटवर्क थोड़ा सा हाई हो गया, वापस आ गया नीचे। तो इधर दोनों स्क्वाडें नियाजी को थोड़ा सा दिखाते हैं, टॉप 50 मैच कर दे, टॉप 50 मैच लास्ट मैच है, 10:30 PM पर मैच है, इधर बंदा मौजूद था लेकिन अभी हो गया है ऊपर। टॉप 50 का मैच हो ब्लैक टाइगर के साथ है, उसने को चैलेंज किया है, तो टॉप 50 ने मैच अरेंज किया है इसके साथ। मुर्शिद की बात करें तो सुबह से एक किल कर चुका है, मारना यार। जानबाज की बात करें तो टूर्नामेंट हिस्ट्री रिजर्व टॉप 50 वाला, तो इधर अच्छी गेम प्ले चल रहा है लेकिन नेटवर्क आज हो, तो दोनों स्क्वाड एक दूसरे में इतनी सर्वाइव कर चुके कि हमें तक गए दिखाने में क्या हो गया अभी नेटवर्क पर। तो शेरी ने फर्स्ट किल ले लिया, दूसरा बंदा भी नाक, वेरी वेल गेम हो। तो भाई इधर जानबाज की जानब अकेला वाकया ये भी गया, तो मारखोर आर्मी ने मेरे ख्याल से ये मैच आसानी के साथ हार रहे, बहुत ही वन मैन आर्मी मैच कर रहे थे, वन मैन आर्मी मैच थर्ड नंबर मैच थे, बहुत आसानी के साथ तो मेरे ख्याल से ये मैच हो एनीवन सोलो 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 हो तो अभी बंदे नहीं है। तो इधर मेरे ख्याल से आज जो पाक टाइटन्स वाले छाए हुए हैं, शिकस्त दे रहे हैं मारखोर की टीम को, नेटवर्क भी ऊपर नीचे आ रहा है। नेटवर्क काम करना छोड़ दिया इस दफा, सब कुछ अच्छा है तो लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहे, तो मुर्शिद इसका ना के नेटवर्क का साथ नहीं दे रहे। तो भाई हाय हाय ये बात के फर्स्ट किल किया नियाजी ने, और दो तीन वर्सेस दो का मैच है, ओफ
اوف کا کیا مت ہے مریم جانی تم نہ خور ٹیم تو ہار رہے ون مین آرمی میچ کر لے سچ او چا سدے ون مین آرمی میچ دے بیٹے لیڈر سارا ٹریڈ اسکواڈ کر او دے دیا سب کیا تو گلوال لگاؤ بھائی کیا کر رہے ہو تو ادھر تھوڑا سا نیا جی کو ڈیمیج کر چکے ہیں ٹو ورسز تھری کا سین ہے ادھر اور اگر یہ میچ ہو میں یہ راؤنڈ جیت لیا او ہو مار ہور والوں نے تو پھر چانس ہے لیکن ہار گیا تو چانس نہیں ہے پاک ٹائٹنز اپنے ٹیم میں بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ون جائے یہ راؤنڈ پھر چانس نہیں ملے گا ایسا تو نیازی آگے جا رہا ہے نیازی آگے گیا تو حسین آ چکے ہیں شاہ نسیم آ چکے ہیں گڈ گڈ کا کیا مطلب ہے کچھ تو گول تمہارا ون مین آرمی آج ہارے گا بھائی ٹورنامنٹ سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا اگر میچ ہار دیا تو ایلیمنیٹ مارنا او واہ ٹرپل کر گیا جان باز نے میرے خیال سے تو بھائی او پی گیم پلے ادھر مارخور آرمی کی جانب سے ون کیا یہ راؤنڈ ہو لیکن نیٹور نے ون نہیں دیا ہم کو نیٹور ہے کچھ مکمل طور پر مکمل طور پر موبائل اپنی نیٹور اوپر نیچے آ رہا ہے جو نیو بندے آتے ہیں اس کو ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے 50 سبسکرائب چاہیے آ جاؤ لیکن آج نیٹور جلال بھائی صاحب ٹاپ 50 گیم مرا چکے ہیں لیکن بھائی آج نیٹور ساتھ نہیں دے رہے 50 پلس آ رہے پھر بھی لے کر رہے پھر بھی ایک ساتھ نہیں چل رہے ایک ساتھ کڑا نہیں ہوتا ہے نیٹورک ون مین آرمی کا میچ میں لائیو اسٹریم نہیں کروں گا کیونکہ وہ میں موبائل پر ایسے کروں گا فون اوپڑے ہے اس کو میں نے بولا لائیو چلاؤ تو نہیں چلاتے آواز میں مسٹر سعید درشی جی نیٹورک کار نہ گئی ہنٹر ناک ہو چکا ہے ادھر سے ساسو لیڈر تمیل سے بھی چلاوا نون بس نہیں چلاوا آئی لائک مارخور ٹیم تو ناک کر چکے ہیں ادھر موبائل اسٹینڈر کے دیا مانا تو بھائی ویری ویری ویل پلیڈ ہو کوشش کر رہے پاک والا کہ یہ راؤنڈ جیت جائے رکشا مردہ چاہتے ہوئے لگا تو ادھر ناک ہو چکا ہے اس کا دوسرا بھی بندہ حمد اللہ بھی ناک ہے ادھر نیاز بھی ناک ہے ابھی چانس ہے کہ واہ بھائی اس کا دوسرا نیا موبائل لے لو ہم نیا موبائل بھی لے لیں تو ادھر ڈاؤن کر چکے ہیں تو ادھر ایک ہی بندہ باقی تھا وہ بھی ختم واہ بھائی واہ بھی مزہ آئے گا گیم میں مارخور ٹیم نے کم بیک کر چکا ہے 6-6 کا سین ہے ادھر بہت ہی بھیانک میچ ہونے والی بہت ہی خطرناک راؤنڈ ہے یہ دونوں اسکواڈ بہت ہی سروائیو کرے گا اس راؤنڈ میں دیکھ لو اس راؤنڈ میں بہت ہی سروائیو ہوگا بھائی مارخور کی ٹیم اور پاک ٹائٹنز کی ٹیم نے یہ میچ بہت خطرناک ہونے والا لیکن نیٹور نے بولا تم خطرناک نہیں کر سکتے یہ میچ کیونکہ نیٹور جب بات آنی ہے تو ہم کیا کریں ابھی نیٹور چینج کیا تو ٹائم اوور ہو جائے گا ابھی یہ کیا ہے 272 پھینک کے پھر بھی ایسا کر رہے ہم ادھر آپ کو 50 نیٹور کہاں سے لے آئے تو بھائی جو بھی جیتے گا تو ہم آپ کو صرف دکھائیں گے تو دونوں ٹیمیں ویٹ میں لگے ہوئے گڈ گیم مارخور مریم جانی نیٹورک کام نہیں کر رہے تو ہم آپ کو کیسے دکھائیں مارخور کی ٹیم تو ادھر ناک کر چکے پاک ہنٹر کو اور ختم بھی کیا جان باز نے او بھائی نیازی کا 9 کل ہو چکا ہے چر شیری کی طرف چلتے شیری کا 11 کل ہو چکا ہے شیری کو ڈاؤن کر چکا ہے پیچھے سے بندہ آ گیا مار دیا کس نے مار دیا بھائی ابھی آپ کو بتاتا چلے کہ بہت ہی اچھی گیم پلے ہو رہی ہے ادھر او بھائی دو بندے ناک ہے او بھائی کیا کر رہے ہو او بھائی مرشد بھائی کو ڈاؤن کر چکے ہیں او بھائی ایک ہی بندہ باقی ہے او بھائی ادھر میرے خیال سے آسانی کے ساتھ تو ون کرنے میں مرشد بھائی بہت ڈیمیج ہے تو تین بندے ہیں تو یہ آسانی سے یہ مارخور کی ٹیم نے ون کر دیا بہت آسانی کے ساتھ ہو بہت اور ادھر ڈبل گر گیا محضر دے تو ون کیا ہے مارخور کی ٹیم نے 6-6 بہت خطرناک میچ تھا آخر کار مارخور ٹیم نے
पता अपने नाम कर लिया, तो वेरी वेल पैक पैक टाटन्स ने बहुत अच्छी गेम किया, लेकिन टूर्नामेंट से लास्ट तक एलिमिनेट हो गए। तो वेल प्लेट हमारे साथ देने के लिए, हमारे टूर्नामेंट को साथ देने के लिए, तो बहुत ही ख़तरनाक गेम किया और बहुत ही वेरी अच्छी गेम किया हमारे टूर्नामेंट में, हमारा साथ भी दिया। तो वेरी वेल प्लेट पाक टाइटन्स। तो नेक्स्ट भी हमारा कोई टूर्नामेंट है तो आप अपने साथ रखेंगे इंशाल्लाह। इसका अभी दूसरा मैच है तो इसकी जानिब चलते हैं, फिर आते हैं आप लोगों के साथ। शाह नसीम, हम नेट पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आते हैं, ठीक है।